रामचरितमानस पर टिप्पणियों को लेकर चर्चाओं में रहे समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार नया बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों के पहले तक भगवा चोला ओढ़ने वाले और चुनाव से एन पहले साइकिल पर सवार स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला बोला है। जी हाँ, भाजपा से समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम राज्य को धोखा बताया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को सुबह एक ट्वीट किया। उन्होंने उसमें यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए अलग अलग श्रेणियों के लिए रिक्त पदों की तालिका को साझा करते हुए लिखा के राम राज धोखा है। पहले भी राम राज के नाम पर कभी शंभुक का सिर काटा गया तो कभी एकलव्य का अंगूठा और अब दलितों आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण काटा जा रहा है, यानी संविधान प्रदत्त आरक्षण खत्म किया जा रहा है। जागो, सावधान हो जाओ, राम राज हटाओ, आरक्षण बचाओ। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये लोग सोशल मीडिया पर बैठकर केवल अखबारों में आना चाहते हैं, इस पर हमें कुछ नहीं कहना क्योंकि इसका कोई जवाब ही नहीं है। इस पे हमें कोई जवाब नहीं देना, ये लोग केवल सोशल मीडिया पर बैठकर अखबारों में आना चाहते हैं और इसका कोई जवाब नहीं। वो उनका काम है, ये हमारा अपना काम है, हम लगातार जनता के संपर्क में, जनता के बीच में। इस पे हमें कोई जवाब नहीं देना, ये लोग केवल सोशल मीडिया पर बैठकर अखबारों में आना चाहते हैं और इसका कोई जवाब नहीं। वो उनका काम है, ये हमारा अपना काम है, हम लगातार जनता के संपर्क में, जनता के बीच में। वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर कमेंट करते हुए सपा एमएलसी को निशाने पर ले लिया। एसपी तिवारी नाम के एक शख्स ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जनता से अपील है कि दो मुंह वाले सांप से दूर रहें। ये एक मुंह से चिल्लाते हैं तो दूसरे मुंह से काटते हैं। देश की भलाई के लिए जनता ऐसे लोगों से दूर ही रहे। शुभम शर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि अगर अखिलेश यादव को चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है तो पहले इनको पार्टी से बाहर करना चाहिए। जिनकी खुद की बेटी भाजपा से हो, जो खुद अपना चुनाव 80-15 करके नहीं जीत सके। अभिनव मिश्रा नाम के एक ट्विटर यूजर ने तो यहां तक लिख दिया, आप अपनी बेटी को समझाइए कि वो जल्दी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए। जब घर वाले ही आपकी बात नहीं मान रहे तो बहुजन क्या मानेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बजरंग दल को बयान करने की मांग की थी। उन्होंने बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर डाली थी और पीएफआई की ही तरह बजरंग दल को बैन करने के लिए कहा था। तो रामचरितमानस पर टिप्पणी करके भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया था।